हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, बहुत टाइम बाद एमसी स्टैन का एक न्यू सॉन्ग आया है जिसको हम सुनने वाले हैं। अगर हम आज रिएक्ट कर रहे हैं तो फटाफट से सुनते हैं। एंड इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स गो टू द वीडियो, लेट्स गो। आई लव यू ऑल। ओ ओ, ये क्या दिख रहा है? सेक्सी लेडी मेरी जिंदगी रास्ते पर। ए यार, अब कुछ नहीं मेरी जिंदगी इससे डीप पे छूते। यार अब कुछ नहीं ना से मित्र मंडल हिंदी मैं कर डालता विषय मेरी जिंदगी रात से बंडी पे। मैं कर डालता विषय मेरी जिंदगी रात से बंडी पे। मैं कर डालता विषय मेरी जिंदगी रात से बंडी पे। मैं कर डालता विषय रिपब्लिक तेरा वीडियो वायरल करूंगा। ऑप्स की गांड मारने के बाद एल्बम ड्रॉप करूंगा। उसके बारे में पढ़ के मैं बन गया था कभी से भी मजबूरी में फिर मेरे को पढ़ना पड़ा रहने से। शट द फक अप सैम। आई रो आई पाव स्लॉट फला मुनिगारी क्षेत्र टच। मेरी जिंदगी रात से बंडी पे। मैं कर डालता विषय मेरी जिंदगी रात से बंडी पे। मैं कर डालता विषय मेरी जिंदगी रात से बंडी पे। मैं कर डालता विषय मेरी जिंदगी रात से बंडी पे। मैं कर डालता विषय मेरी जिंदगी रात से बंडी पे। Complete aesthetic vibe. Oh my god. What do you think about ऐसा लग रहा Hollywood album है। Yes, seriously, इसका starting मतलब आधा गाना तो इन्होंने पूरा black and white में निकाला and that two girls. वो बहुत ज़्यादा hot. They are like जैसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ऐसा Hollywood से ही match कर रहा था ना। बहुत ज़्यादा उनके जो albums हैं उनसे थोड़ा अलग सा लग रहा है ना। बाकी एल्बम से अच्छा था। हाँ, काफी टाइम बाद किया है एंड थोड़ा सा अलग ही किया है। बाकी जो एल्बम है उनके उनसे ज्यादा जो है अलग सा अलग है इसका है ना। मतलब एस्थेटिक भी लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट एस्थेटिक। मतलब काफी टाइम बाद किया, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी टाइम बाद किया बट थोड़ा सा डिफरेंट था एंड थोड़ी सी यू नो लैंग्वेज इशू हो जाता है, लिरिक्स इशू हो जाता है थोड़ा। म्यूजिक सब कुछ अच्छा है एंड सैन इज आल्सो बहुत मतलब शूट काफी अच्छा लगा। सॉन्ग मतलब रैप बहुत एस्थेटिक वाइब्स है। रैप भी अच्छा लगा मुझे। ये उन्होंने शायद अपने हेटर्स के लिए लिखा है क्योंकि इसमें एक बीच में लाइन में लिखी थी कि ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड। अपने हेटर्स के लिए भी लिखा है और शायद अपने दोस्तों अपनों के लिए कुछ ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है एंड अच्छा है ऑल ओवर अच्छा है। थोड़े से गाली वगैरह वाला दिक्कत आ जाता है, अदरवाइज सुनने वालों को जिसको पसंद आ रही है जिसकी वाइब है ये तो ऑब्वियसली अच्छा है। एंड शूट की वैसे ऐसे सॉन्ग्स में सबके साथ वाइब मैच होती नहीं है तो मतलब सबका नहीं होता है। मतलब जिनको नॉलेज होती है उन्हीं को ये ऐसे सॉन्ग्स अच्छे लग रहे होते हैं ना। लाइक जिनको हिप हॉप कल्चर के बारे में ज्यादा पता है तो उनको जो है ज्यादा पसंद आते हैं ऐसे सॉन्ग है ना। मतलब वैसे नॉर्मली हर कोई नहीं समझ पाता है तो वो चीज है जिनको पसंद है वो डेफिनेटली सुन सकते हैं। अच्छा है काफी ज्यादा ऑल ओवर ये सॉन्ग पूरा अच्छा था। शूट भी काफी प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है। बाकी से थोड़ा अलग है तो यही कह सकते हैं और हमें पसंद आया। वैसे मुझे अच्छा ही लगा ऐसे। 2024 का फर्स्ट सॉन्ग है बेसिकली, बहुत अच्छा है। अच्छा है, अच्छी शुरुआत हुई है
तो हमें तो पसंद आया। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये सॉन्ग, और साथ में वीडियो अच्छी लगी हमारे तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।